गाइज, अगर आप मेरी तरह कार्स, स्पेशली स्पोर्ट्स कार्स के दीवाने हैं तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेरे पास आपके लिए। क्या आपको पता है कि ऑडी, बेंटली, बुगाटी, लेम्बोर्गिनी, पोर्शे, स्कोडा, डुगाटी, ये सातों कंपनियां जो कि स्पोर्ट्स व्हीकल बनाती हैं, वो अलग अलग कंपनियां नहीं है, बल्कि इन सातों कंपनियों को एक ही कंपनी ओन करती है। इनकी मदर कंपनी एक ही है और उसका नाम है वॉक्सवैगन। जी हाँ गाइज, वॉक्सवैगन के अंडर ये सातों स्पोर्ट्स व्हीकल कंपनियां आती हैं। बाय द वे, इन सातों स्पोर्ट्स व्हीकल कंपनियों में से किसका स्पोर्ट्स कार या स्पोर्ट्स व्हीकल आपको सबसे ज्यादा पसंद है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे रीजंस बताता हूं जिसकी वजह से लोगों का जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर आप लोगों को वो रीजंस पता लग जाएं तो शायद आप वो गलतियां ना करें और आपका जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। नंबर वन, 70% लोगों को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो इंटरव्यूअर के साथ में आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते। अगर आप लोग आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप में कॉन्फिडेंस की और ट्रस्ट की बेहद कमी है। नंबर टू, 50% लोग सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि जिस कंपनी में वो इंटरव्यू के लिए गए हैं उसके बारे में उन्हें कोई इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है, इसलिए जब भी जाएं पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाएं। बाकी बचे हुए रीजंस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो जल्द आने वाली है। गाइज, ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि हमारे आसपास कुछ अच्छा और यूनिक हो रहा हो तो मैं आप तक वो चीज़ें पहुंचा सकूं। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको एक ऐसे इंडियन आर्टिस्ट से मिलवाने वाला हूं जो अपनी आर्ट को किसी ब्रश या पेंट से नहीं बल्कि एक सिंपल साते से टाइपराइटर से बनाते हैं। है ना ही अमेजिंग? जी हाँ गाइज, सिर्फ टाइपराइटर से वो ऐसी पेंटिंग बना डालते हैं जो आपने कभी सपने में सोची भी नहीं होगी। मिलिए ऐसी गुरुमूर्ति से जो कि बेंगलोर से बिलोंग करते हैं और अपनी इसी यूनिक आर्ट की वजह से वो पूरी दुनिया में पेंटर्स और आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। सो गाइज, ये आर्ट और ये आर्टिस्ट आपको कैसा लगा और क्या आपको बींग एन इंडियन प्राउड फील हुआ, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हे गाइस, यार आप कितने पॉपुलर हो, अगर इसको आपको पहचानना है तो एक सिंपल तरीका मिल गया है। आपको क्या करना है, एलेक्सा को पूछना है। अगर एलेक्सा ने आपके बारे में आंसर दे दिया तो इसका मतलब आप पॉपुलर हो। तो चलो चेक करते हैं कि अरविंद अरोड़ा मोटिवेशन कितना पॉपुलर है। चेक करते हैं, एलेक्सा हु इज अरविंद अरोड़ा मोटिवेशन। अरविंद अरोड़ा is a YouTuber with 22 lakh subscribers. Since creating their channel on the 7th of April 2017, they have received 69,33,60,285 views and 503 uploads. Guys, popular हो रहे हैं अपन, Alexa भी जानती है अब तो। गाइज, कभी कभी बच्चा बनने में बड़ा मजा आता है और बच्चों के फैक्ट जानने में तो उससे भी ज्यादा एंथुजियाज्म पैदा होता है। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को चार बच्चों जैसे लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। फैक्ट नंबर वन, फीमेल कैमल यानी कि ऊंटनी एक ऐसा जानवर है जिसके दूध का कभी आप दही नहीं बना सकते। फैक्ट नंबर टू, सुअर एक ऐसा जानवर है जो आकाश में कभी नहीं देख सकता। फैक्ट नंबर थ्री, गाय सीढ़ियां चढ़ तो सकती है लेकिन उतर नहीं सकती। और फैक्ट नंबर चार, एलिफेंट यानी कि हाथी एक ऐसा मैमल है जो कि कभी कूद नहीं सकता यानी कि जंप नहीं मार सकता। है ना ये चारों इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, आप लोगों ने बहुत लोगों की बॉडी पे ब्राउन ब्राउन दाग देखे होंगे। बहुत लोग उसे चितरी कहते हैं, बहुत लोग उसे चिती कहते हैं और इंग्लिश में उसे फ्रैकल्स कहा जाता है। अगर आप लोग उन ब्राउन दागों से परेशान हैं या आपने किसी को परेशान होते देखा है तो मेरे पास उसके लिए एक इलाज है। आपको क्या करना है, लेमन जूस लेना है और लेमन जूस को रेगुलरली उन ब्राउन दागों पे अप्लाई करना है और आप लोग धीरे धीरे देखेंगे कि वो ब्राउन दाग फेड आउट होते जाएंगे और मे भी हो सकता है कि वो पूरी तरह से गायब हो जाएं। गाइज, ऐसे ही अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, क्या आपको पता है कि बाजार से खरीदी गई पानी की बोतल पे जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वो एक्चुअली पानी के लिए नहीं होती, मतलब एक्सपायरी डेट के बाद पानी खराब नहीं होता। हो गए ना हैरान? पर सवाल ये है कि फिर वो एक्सपायरी डेट किसके लिए होती है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। वो एक्चुअली पानी के लिए ना होकर
पानी के बोतल के लिए होती है। अगर आपके पास कोई पानी की बोतल है और वो अगर एक्सपायरी डेट को क्रॉस कर चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पानी की बोतल है जो कि प्लास्टिक से बनी है, वो केमिकल रिलीज करना शुरू कर देती है। पानी इटसेल्फ खराब नहीं हुआ है, पानी में जम्स पड़ सकते हैं, लेकिन पानी खराब नहीं हो सकता। वो प्लास्टिक की बोतल एक्चुअली पानी पे इफेक्ट डाल रही है ना ये इंटरेस्टिंग। क्या आपको इसके पहले तक ये इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर आप लोग कुत्तों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आज की ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। क्या आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको कभी भी कुत्तों को खाने को नहीं देनी चाहिए? कौन कौन सी हैं वो चीजें, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अंगूर, किशमिश, वॉलनट, एवोकेडो, प्याज, लहसुन और उसमें सबसे ऊपर आती है चॉकलेट। जहां हम इंसानों को चॉकलेट बड़ी अच्छी लगती है, वहीं कुत्तों के लिए ये टॉक्सिक हो सकती है। जी हाँ गाइज, थोड़ी सी भी क्वांटिटी से कुत्तों को डायरिया, उल्टी, दौरे और अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो सकती है। और ऐसा होता है चॉकलेट में मौजूद एक टॉक्सिक सब्सटेंस मिथाइल ज़ेंथाइन की वजह से, जिसकी वजह से कुत्तों के सीधे नर्वस सिस्टम और हार्ट पर अटैक हो जाता है और उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए प्लीज उन्हें कभी चॉकलेट सर्व मत कीजिएगा। गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम कितनी सिम इशू करवा सकते हो, तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? चलिए मैं आपको बताता हूं, और ये चीज आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि ये चीज आपको बहुत काम आएगी। ट्राई यानी कि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम 9 सिम इशू करवा सकते हो, जिसमें से भी 6 सिम एक ऑपरेटर की होगी और बाकी बची हुई 3 सिम आप दूसरे ऑपरेटर की लोगे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आधार कार्ड से मात्र एक ही नंबर कनेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, आप नंबर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन फ्यूचर आप लोग याद रखिए कि आप 9 सिम से ज्यादा मत इशू करवाइएगा अपने नाम से, अगर आपने करवा भी ली तो आप ट्रबल में आ सकते हो। गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूल। मिलते अगली वीडियो में। गाइज, एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताता हूं। स्वीडन का एक शहर है जिसका नाम है एस्किल्स्टुना, और वहां की गवर्नमेंट ने वहां के भिखारियों पर लाइसेंस फीस लगा दी है। इसका मतलब यह है कि अगर वहां के भिखारियों को भीख मांगनी है तो उन्हें 21 पौंड यानी लगभग 1800 रुपए देके एक लाइसेंस खरीदना होगा, जिसकी वैलिडिटी मात्र 3 महीने है, और उसके बाद ही वो वहां पे भीख मांग पाएंगे। और अगर बिना लाइसेंस के वो भीख मांगते पकड़े गए तो उन्हें 342 पौंड यानी कि लगभग 30,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि वहां की गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों उठाया होगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ब्राजील में एक जेल है जहां के कैदियों को अगर अपनी सजा कम करनी है तो उनके लिए गजब का रूल बनाया गया है, या फिर यूं कहें कि गजब का सोशल तरीका अपनाया गया है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर कैदी को अपनी सजा कम करनी है तो उसे एक पैडल वाली एक्सरसाइज बाइक दी जाती है, जिसके पैडल मारने से वहां इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वही इलेक्ट्रिसिटी पास के गांव में सप्लाई की जाती है। अब जितना ज्यादा पैडल मारेंगे और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, उस कैदी की सजा उतनी ही कम कर दी जाएगी। आपको यह तरीका सुनकर कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, बहुत सारे फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, कीवी, ऑरेंज, ये सब स्फेरिकल यानी कि राउंड शेप के होते हैं, और इनके राउंड शेप के होने की वजह से इनकी पैकेजिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब आप लोग कहेंगे कि स्फेरिकल शेप या राउंड शेप की वजह से पैकेजिंग में प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, होता कुछ यूँ है कि जब आप इन फ्रूट्स को पैक कर रहे होते हो तो या तो आप स्क्वायर और या फिर रेक्टेंगल बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हो, और जब आप इन फ्रूट्स को उसके अंदर डालते हो तो बहुत सारा स्पेस खाली रह जाता है, ये तो आपने देखा होगा। इसका मतलब आप बॉक्स के फुल स्पेस को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। अब इसका इलाज निकाला कोरिया ने। उन्होंने क्या किया, कुछ एप्पल्स को स्क्वायर प्लास्टिक के मोल्ड्स यानी कि सांचों में ग्रो करना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि वहां पर सेब को स्क्वायर फॉर्म में उगाया जा रहा है और इन फ्यूचर आपको स्क्वायर फॉर्म में सेब खाने को मिल सकते हैं। इमेजिन करके देखिए। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये बात है 1976 की, जब रोनाल्ड वेन ने स्टीव जॉब को ज्वाइन किया। तब वो एप्पल कंपनी का वन ऑफ द फाउंडर भी था, उसने लोगो भी डिजाइन किया था। इस एवेज में उस वक्त उसे एप्पल कंपनी के 10% शेयर दिए गए थे,
लेकिन उसे एप्पल कंपनी के फ्यूचर पे विश्वास ही नहीं था। उसे लगा कि एप्पल कंपनी चलेगी नहीं, इसलिए उस वक्त उसने एप्पल के 10% शेयर मात्र $800 में बेच दिए। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली $1 trillion कंपनी बन जाएगी। और अगर आज उसके पास 10% शेयर होते तो आज वो $100 billion यानी कि 70,000 करोड़ रुपए का मालिक होता। कितना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। गाइस इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में पेशेंस रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता किस्मत कब अपनी करवट बदल जाए।